धौलपुर से। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के निजी शिक्षण संस्थान में पूर्व छात्र ने कट्टे से फायर कर दिया। फायरिंग में संस्था प्रधान बाल बाल बच गया। गोली की आवाज से स्कूल में सनसनी फैल गई। संस्था के अन्य स्टाफ ने छात्र को घेराबंदी कर पकड़ लिया। सदर थाना पुलिस को सूचित कर नाबालिग छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया। निजी शिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान ने बताया कि स्कूल का पूर्व छात्र शनिवार को पहुंच गया। स्कूल पहुंचे छात्र ने पहले एक बच्चे के बारे में पूछा था, उसके बाद छात्र ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जब संस्था प्रधान ने विरोध किया तो कट्टा निकालकर फायरिंग कर दी, जिसमें संस्था प्रधान बाल बाल बच गए। गोली की आवाज से स्कूल परिसर में सनसनी फैल गई। स्कूल के अन्य स्टाफ ने घेराबंदी कर पूर्व छात्र को दबोच लिया। मामले की सूचना स्थानीय सदर थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र एवं कट्टे को कब्जे में लेकर सदर थाना पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। संस्था प्रधान ने बताया कि पूर्व में यह छात्र तलवार लेकर किसी प्रकार का उत्पात मचा चुका है, उसके बाद शनिवार को हुई घटना से छात्र छात्राएं भारी दहशत में दिखाई दे रहे हैं। इस बच्चा साहब आज अचानक आया लगभग 11:30 बजे के करीब। तो पहले तो आकर के उसने एक बच्चे से मिलने की बोली। बच्चे से मिलने के बाद वो 10 मिनट बाद फिर आया। वो आने के बाद उसने कट्टे से सीधा फायर किया मुझ पर। वो तो ईश्वर की गनीमत रही कि मैं बाल बाल बच गया। ये बच्चा हमारे यहाँ पहले पढ़ता था, पिछली साल गत वर्ष ये TC ले गया। एक बार बीच में भी ये तलवार लेकर के आया था, परिजनों के समझाने पर फिर इसने कोई गड़बड़ी नहीं की। इस बार तो इसने जो है सीधे कट्टे से ऊपर फायर किया। फिर हमने सूचना दी SP साहब को, सदर थाने में भी सूचना दी, पुलिसकर्मी आए और उसे कट्टे के साथ पकड़ करके थाने ले गए। सदर थाना अंतर्गत तोर गांव में केशवानंद विद्या मंदिर स्कूल है, जिसके प्रिंसिपल श्री भगवान त्यागी ने इस आशय का मामला दर्ज कराया है कि उनके एक स्टूडेंट है, पुराने नाबालिग स्टूडेंट है, जिन्होंने उनके ऊपर फायर का प्रयास किया। मामले की जानकारी की तो सामने ये आया कि एक साल पहले उस स्टूडेंट की इन्होंने कोई TC काटी थी, जिस बात से वो स्टूडेंट नाराज चल रहा था। इस प्रकार नाराजगी के चलते उसने कोई प्लानिंग की और उसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर फायर करने का प्रयास किया। फिलहाल श्री भगवान त्यागी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है, बालक को निरुद्ध भी किया है और अनुसंधान जारी। अवैध हथियार भी जी बिल्कुल उससे अवैध।